ये देखिए भाई, भाई ये हम लोग का पायलट लीवर बोलते हैं भैया। इसमें प्रॉब्लम आ रहा है कि हमारा ये जो पुशर है वो पुशर से लीकेज कर रहा है। ये देखिए पुशर यहाँ से लीकेज कर रहा है, तो भी हम लोग इसको खोल रहे हैं और खोलने के बाद इसमें टेस्ट करेंगे कि इसका क्या चीज़ गया है। उसके बाद हम लोग फिर से आपको वीडियो में बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम था। तो अभी हम लोग इसको जॉयस्टिक लीवर का हैंडल खोल दिए हैं और अभी हम लोग एक एक स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं। इससे तो देखिए ऑयल नहीं आ रहा है और इससे भी ऑयल आ नहीं रहा है, इससे भी नहीं आ रहा है। ये देखिए इससे ऑयल आ रहा है, आपको दिखता होगा कि हमारा कैमरामैन आपसे जरा ये है कि थोड़ा जूम करके दिखाइए, देखिए कैसा आ रहा है। तो अभी इसको खोलने के लिए हम लोग देखिए पकड़ का इस्तेमाल कर रहे हैं और पकड़ से हम लोग इसको पकड़ के इसको बाहर कर दिए। देखिए ये हमारा बाहर आ गया, बाहर जब आ गया मेरा पास एक और है, अभी हम लोग इसका वाला निकाल रहे हैं। देखिए इसको ऐसा पकड़ से पकड़ना है और आराम से इसको खींचना, ये निकल गया। इसको हम लोग बोलते हैं पुशर। अभी इसको यहाँ से निकाल के फिर जैसा ही हम लोग खोले थे ये देखिए वैसा ही, इसको कहीं से भी आप कोई भी एंगल से लगा सकते हैं। और यहाँ पे इसको हम लोग डाल दिए, डालने के बाद इसको हल्का सा पुश कर दिए। पुश करने के बाद ये देखिए हमारा चला गया। अभी देखिए यहाँ से मेरा ऑयल नहीं आ रहा है। अभी उसके बाद हम लोग एक प्लेट डालते हैं, एक प्लेट ऐसा डाल के, फिर ये यूनिवर्सल जॉइंट है इसको फिर हम लोग यहाँ पे इसको लगाते हैं। देखिए मेरा लग गया और 18-19 का एक स्पैनर है, 18-19 का स्पैनर से इसको टाइट कर देना ताकि ये पुशर को दबाए रखे, हिलने ना दे। उसके बाद हम लोग का ये एडजस्टिंग का प्लेट है, इसको हम लोग एडजस्टिंग के प्लेट को लगा रहे हैं, लगा के इसको एडजस्ट कर देंगे। देखिए लग रहा है, देखिए अब ये हम हमारा पुशर को दबाएगा जैसे ये दब रहा है। उसके बाद हमारा ये हैंडल है, ये हैंडल को आपको कुछ नहीं करना, जैसा आप खोले थे वैसा आपको यहाँ से लगाना है। अब हमारा ये यहाँ तक चला गया, ये थोड़ा दब रहा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि इसको पहले हम लोग लूज कर देंगे। ये हम लोग लूज कर देंगे, पुशर को थोड़ा दबा रहा है। तो अभी एक रेंच हम लोग यहाँ लगाए और दूसरा रेंच खोलिए खोलिए उसको, एक 18-19 को यहाँ लगाएंगे। 16-17 है मेरे पास, 18-19 रेंच है ही नहीं, तो हम लोग हो सकता है पकड़ का इस्तेमाल करने से हो जाएगा, लाना ही पड़ेगा, लाना ही पड़ेगा 18-19 का। धीरे धीरे हाँ, ये देखिए हमारा 18 का दो स्पैनर लगा दिए हैं, अब इसको ये खोल दिए, ये खुल गया। खोलने के बाद यहाँ से हम लोग पूरा इसको बाहर कर रहे हैं, बाहर करके अभी हम लोग ये देखिए यहाँ पे लगा रहे हैं, तो लगा के इसको हम लोग यहाँ पे टाइट कर दिए। अब 18-19 का एक रेंच लगाना है, इसको यहीं से टाइट करना है। एडजस्टिंग थोड़ा करना है इसको ताकि मेरा पुशर दबे ना जल्दी। सामने कोई चीज है नहीं, कचकसा दे दिए,
अभी देखिए ये जॉयस्टिक का हम लोग हैंडल लगा रहे हैं। ये जॉयस्टिक का हैंडल लग रहा है, आगे आ रहा है? नहीं, आगे वाला से नहीं आ रहा है, एक ही से आ रहा है। अभी हम लोग ये लीवर इस तरफ में है, अभी ये हमारा दोनों लीवर सेम पोजीशन में आ गया है। थोड़ा थोड़ा इसको एडजस्टिंग करना है, थोड़ा ज़्यादा घुमा हुआ है ये, थोड़ा नीचे ये थोड़ा ऊपर हो गया है। इसको वापस हम लोग यहाँ से खोल देंगे, बस थोड़ा दिक्कत कर रहा है, वापस पकड़ेंगे यहाँ से। टाइट होने के बाद हॉर्न वाला दोनों हॉर्न का तार है, टेप लाना पड़ेगा क्या? तार है जो हम लोग का यहाँ से हॉर्न है, यहाँ क्लिक करने के बाद आपको हॉर्न का ये आएगा। ये तार दोनों है, इसको हम लोग ज्वाइंट कर दे रहे हैं। अभी इसके बाद इसमें हम लोग टेप मारेंगे, टेप मार के फिर इसको अभी हम लोग मशीन स्टार्ट किए हैं और इसको फुल एक्सचेंज कर देंगे। और आप देखिए यहाँ पे, यहाँ से जो ऑयल मेरा आ रहा था अभी वापस हो रहा है, लाइट को इसको साफ कर देंगे थोड़ा। अब देखिए आपको यहाँ जूम करके दिखाइए कैमरामैन जी, देखिए अब ऑयल यहाँ से हमारा नहीं आ रहा है। तो अभी हम लोग देखिए हॉर्न का तार जोड़ दिए हैं, इसमें क्लिप लगा दिए हैं, वो ये मेरा अभी यहाँ का काम कंप्लीट हो चुका है। अभी ये कवर जो है डस्ट बचाने के लिए कवर दिया जाता है, तो ये कवर को हम लोग इस तरह से आराम से इसको ऐसा घुसा के इसको हल्का उठा दीजिए, मेरा काम हो गया।